नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। आप एक चीज़ जानते हैं कि जब आप बनी की फिल्म देखने के लिए जाते हैं, यानी अल्लू अर्जुन की फिल्म देखने के लिए जब आप जाते हैं, तो एक बात बहुत खास होती है कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात रहती है कि इनको एक बार तो एक अच्छे गाने पर डांस करते हुए ज़रूर देखा जाए, क्योंकि बनी का डांस करने का स्टाइल इतना अच्छा है, मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट डांसिंग स्टार्स में से काउंट होते हैं। और ये एक ख़ास बात है कि अला वैकुंठ पुरमलु भी आपने देखा, उसमें एक बहुत ही अच्छा गाना था बुट्टा बोमा, और मेरे ख्याल से वो गीत पर जो उन्होंने डांस किया है, जबकि वो एक फास्ट पेस नंबर नहीं था, लेकिन इसमें जो डांस था वो कोरियोग्राफी और कहिए कि एक थिएट्रिकल स्टाइल का डांस था, और बड़ा अच्छा लगा वो डांस देखने में लोगों को। और अब जबकि पुष्पा आ रही है फिल्म, तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इस फिल्म में भी जो है एक किस तरह का गीत होगा जिस पर कि वो थिरकेंगे। और इसको लेकर के मेरे ख्याल से सुकुमार बहुत ज़्यादा जो है सचेत हैं, वो ये जानते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन जो है जनता के अंदर रही है, कि इसके चलते वो जो फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं DSP यानी देवीश्री प्रसाद, उनके साथ मिल करके एक बहुत ही स्पेशल नंबर बना रहे हैं। लोग ये जानने में बहुत आवश्यक फील कर रहे हैं कि क्या स्टोरी के साथ जोड़ करके उस गीत को रखा जाएगा, या एक आइटम नंबर के तौर पर डाला जाएगा जो कि कहानी में हल्का सा ब्रेक डालेगा। देखा जाए क्या होता है इवेंचुअली, लेकिन ये बात तो साफ है कि DSP इस फिल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो मज़ा आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अल्लू अर्जुन और DSP का जो एक कॉम्बिनेशन है उसे देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा आतुर हैं कि इस फिल्म में किस प्रकार से जो है वो कार्यान्वित करते हैं अपने प्लान को। आपका क्या विचार है, क्या आप पुष्पा को जो है एक हार्ड हिटिंग फिल्म के रूप में देखना चाहते हैं, या एक पॉट बॉयलर एंटरटेनमेंट के रूप में जहाँ पर कि गाने वगैरह तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिले अच्छे से, लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि कृपया चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।